आज हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर सोलन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम जयराम शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के बयान पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद अब बीजेपी ने राजेंद्र राणा के बयान की निंदा की है। बीजेपी ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राणा को बोलने से पहले राणा को सोचना चाहिए। सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में सीएम के समर्थन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और थुनाग में बाजार में रैली निकाली। इस दौरान जयराम के नारों से थुनाग गूंज उठा। मजदूर संघ ने पूर्व परिवहन मंत्री और एचआरटीसी प्रबंधन पर जरूरत से ज्यादा बसें खरीदने का आरोप लगाया, साथ ही सरकार से विजिलेंस जांच की मांग भी की है। सोलन में बिजली बोर्ड का करीबन सभी विभाग से करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसमें उपायुक्त कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय विभाग जैसे कई विभाग हैं जो बिजली के बिल के बोझ तले दबे हैं। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदला है। पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश ने दस्तक दी है। वहीं बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से गुरु पूजा दिवस के अवसर पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल पर अचानक हिमस्खलन होने की वजह से 3 लोग बर्फ में दब गए। इस हादसे में 2 लोगों को कुछ देर बाद निकाल लिया गया, लेकिन बीआरओ का एक जवान करीब 1.5 घंटे तक बर्फ में दबा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड साहसिक खेल संस्थान पौग झील के सौजन्य से प्रथम माउंटेन बाइकिंग एक्सपीडिशन शुरुआत हुई। जवाली में श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर पलट गई। इस हादसे में 12 श्रद्धालु घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु अमृतसर से होला मोहल्ला के मेले में जा रहे थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।